Investment in securities market are subjected to market risk. Please read all the related document carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेंड वाले टेक के एक नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो का थंबनेल टाइटल आपने देखा होगा, वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कोटक नियो के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज करते हैं, ठीक है, किसी ट्रेड के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज करते हैं। तो मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं ये बताऊंगा। कोई एक इंडेक्स यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं चीजों को समझाऊंगा और आप सभी लोग समझ जाएगा कि वैसे ही आपका बाकी इंडेक्स के अंदर भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं आज के दिन हमारा इंडियन मार्केट जो है भयंकर टूटा हुआ है, लगभग 1.5% आपका बैंक निफ्टी गिरा हुआ है और करीबन 1% आपका निफ्टी गिरा हुआ है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पे मैं क्लिक करता हूँ। बैंक निफ्टी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ओवरव्यू, आज के दिन में कितने पे ये खुला था, आपका आज के दिन का हाई, आज के दिन का लो क्या है। हाई देख सकते हैं यहाँ पे 48,154 है, जबकि लो आपका 47,390 है, करीबन 750 पॉइंट ऊपर से नीचे गिरा हुआ है बैंक निफ्टी। तो भाई बिल्कुल तबाही आ गई है, बहुत ही गिर गया आज के दिन मार्केट। और यहाँ पे हम देखेंगे कि FNO का एक ऑप्शन हमको दिखाई देता है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्यूचर्स दिखाई देते हैं FNO में, आपको पता ही होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं। तो फ्यूचर आप देख सकते हैं, आपको जैसा कि पता ही है कि फ्यूचर आपको 3 महीने तक के मिलते हैं, एक करंट मंथ का, एक उसके अगले मंथ का, फिर अगले मंथ का। तो जनवरी चल रही है, जनवरी का फ्यूचर यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी का है, फिर फरवरी का है एंड मार्च का है। तो 3 मंथ के हमको फ्यूचर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पे ऑप्शन में समझना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तो यहाँ हम व्यू ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद हम देख पाएंगे यहाँ पे स्पॉट प्राइस जो है हमारा 47,480 है करीब, ये चल रहा है प्राइस। और यहाँ पे देखेंगे एक तरफ आपको कॉल्स दिखाई देते हैं, लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस ऑफ कॉल्स, एंड दूसरी तरफ आपको पुट्स दिखाई देते हैं लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट बाई करके देखूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि मार्केट जहाँ पे है अभी जो हाल है अभी और गिर सकता है, जस्ट एक एजम्पशन है मेरा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो आपका 47,400 का पुट है जो आपको 185 रुपये 86 रुपये पे दिख रहा है, इसी को बाई करके देखेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाई एंड सेल दोनों का ऑप्शन है। आपको जैसा कि पता ही होगा हम किसी भी ऑप्शन के यहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। बस अंतर ये होता है कि सेलिंग में हमारा जो फंड है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है आपका कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बाई ही करूँगा, बाई पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं ओवरव्यू के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो के अंदर हम यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखने आए हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो ऑप्शन है दोस्तों वो ओवरनाइट वाले ऑप्शन के अंदर नहीं है, ठीक है, ये इंट्राडे के अंदर ही आपको ये फैसिलिटी मिलती है। तो ओवरनाइट का मतलब ये होता है कि आप जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट को उसकी एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हमको दिखाई दे रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में, वो 10 जनवरी को एक्सपायर होंगे। तो ओवरनाइट में आप बाई करते हैं तो वो 10 जनवरी तक आप होल्ड भी कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर, लेकिन इंट्राडे पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आज के दिन ही 3:15 से पहले इससे एग्जिट लेना होता है, ठीक है। तो इंट्राडे पे मैं क्लिक करता हूँ। इंट्राडे पे क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे आप लोग क्वांटिटी आपको दिखाई देगी, तो एक लॉट का बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, 15 क्वांटिटी एक लॉट में होती है बैंक निफ्टी के, ये आपको पता ही होगा। प्राइस में आप देख सकते हैं 189.95 रुपये आया है, क्योंकि ये लिमिट पे है इसलिए हम इसको प्राइस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर हम इसी को मार्केट पे क्लिक करके लगा दें तो हम ना तो यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर लगा पाएंगे और ना ही अपना यहाँ पे बाइंग प्राइस भी लगा पाएंगे, ठीक। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमको लिमिट पे ही क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो इंट्राडे वाले ऑप्शन में आना होगा, एंड इसके बाद आपको लिमिट ऑप्शन पे भी क्लिक करना होगा, लिमिट ऑप्शन पे ही बाई करना होगा, दो चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो लिमिट पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन देख सकते हैं अभी खुल गया है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ब्रैकेट ऑर्डर पे तो हम देख पाएंगे 3 ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाते हैं। पहला क्या है आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस स्प्रेड, स्टॉप लॉस स्प्रेड आप पहले देख पाएंगे ये ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, एंड इसके बाद टारगेट स्प्रेड है, ठीक है। तो ये तीनों को मैं आपको समझा देता हूँ आखिर इसका मतलब क्या है, ताकि आप ट्रेड करते टाइम कोई आपको मन में दुविधा ना रहे।
तो सबसे पहले अपना बाई प्राइस यहाँ पे हम भर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लिमिट पे हमने क्लिक किया है तो बाई प्राइस भी हमको यहाँ पे लगाना होगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है एक एग्जांपल के लिए 190 रुपये का जो है बाइंग प्राइस लगा रहा हूँ, ठीक है, 190 रुपये पे मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ। तो इसके बाद देखिए जो स्टॉप लॉस ट्रेड है आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर का ऑप्शन यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस ट्रेड का मतलब जैसे मैंने 190 रुपये में इसका बाई प्राइस लगाया हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि 5 रुपये नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहे तो मैं यहाँ पे 5 रुपये डाल दूंगा, ठीक है, 5 रुपीज़ में यहाँ पे डाल दूंगा, 5 का मतलब 5 रुपीज़ हो गया यहाँ पे बेसिकली। एंड इसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे यहाँ पे टिक करूँगा मैं, एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरा ये 190 रुपये पे मैंने इसको ख़रीदा है और 5 रुपये का मैंने यहाँ 5 रुपये नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया है, तो अगर ये प्राइस बढ़ते रहे और 5 रुपये ऊपर चला जाए, ठीक है, जैसे अभी 190 रुपये पे मैं ख़रीद रहा हूँ और ये बढ़ते बढ़ते 195 रुपये हो जाए, ठीक है, तो जो स्टॉप लॉस मेरा 185 रुपये पे है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेड में 5 रुपये डाला है, यानी 185 रुपये पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन प्राइस बढ़ते बढ़ते 195 रुपये हो जाए तो मेरा स्टॉप लॉस भी आगे बढ़ जाए, ट्रेल कर जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 रुपये डाल देता हूँ, यानी कि 5 रुपये का प्रॉपर मेरे को स्टॉप लॉस का ट्रेल मिलता रहेगा, जैसे जैसे मार्केट हमारा ऊपर जाता रहेगा 5-5 रुपये करके हमारा स्टॉप लॉस भी शिफ्ट होता रहेगा। अब 95 गया, 95 से क्या हो गया 200 पे मार्केट चला गया, तो उस स्थिति में क्या होगा हमारा स्टॉप लॉस फिर से खिसक के 90 रुपये से 95 रुपये हो जाएगा, ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो 5-5 रुपये का हमको सपोर्ट मिलता रहेगा इससे क्या होगा हमारा जो प्रॉफिट हाथ में आ गया है वो छूटेगा नहीं, ठीक है, एक बार जो प्रॉफिट हमने पकड़ लिया वो हमारे हाथ में रहेगा। अब इनकेस आपका मार्केट जो 190 रुपये से बढ़ते बढ़ते 95 रुपये चला गया, आपका जो स्टॉप लॉस था 5 रुपये का यानी 185 का वो बढ़ते आपका बढ़ के 190 पे हो गया, तो अगर मार्केट उस दिशा में वापस से गिरना चालू होता है तो आपका स्टॉप लॉस 185 अब नहीं रहने वाला, वो 190 हो चुका है और 190 पे ही आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा और इस हिसाब से आप लोगों को जो है जो प्रॉफिट आपने हाथ में कमाया है 5 रुपये का वो आपके हाथ में बचा रहेगा। तो यही फायदा होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का, ठीक है। इसके बाद देखिए टारगेट स्प्रेड में आपको डालना होता है टारगेट कितने का रहेगा, कितने रुपये अगर बढ़ जाए आपको कि आपका टारगेट हो जाए बस भैया उससे एग्जिट कर जाए आप अपने ऑप्शन के अंदर से, तो टारगेट उस हिसाब से आपको लगाना होता है। तो टारगेट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 20 रुपये का, ठीक है, तो जैसे ही हमारे खरीदे हुए वैल्यू यानी 190 से 20 रुपये ऊपर जाता है प्राइस वैसे ही ये सेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया स्टॉप लॉस लगा दिया 5 रुपये का, और इसके बाद जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो भी 5 रुपये का लगाया, ठीक है, और टारगेट भी हमारा हमने लगा दिया। अब बस हमको यहाँ पे स्वाइप टू बाई करना है और ये ऑर्डर हमारा बाई हो जाएगा, और बाई होते ही जैसे 190 रुपये पे आएगा ऑर्डर हमारा बाई हो जाएगा, एंड इसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो अपना काम करेंगे जिस हिसाब से मार्केट बिहेव करेगा, ठीक है। अगर मार्केट गिरने ही लगता है 185 पे आ जाता है तो ऑर्डर आपका सेल हो जाएगा, लेकिन मार्केट अगर आपका ऊपर बढ़ने लगता है जैसे ही 90 से क्या हो गया 95 हुआ तो जो स्टॉप लॉस आपने 185 पे लगाया था वो शिफ्ट होकर 190 पे आ जाएगा, ठीक है, और इस तरह से अगर ये 100 रुपये पे चला जाता है तो फिर से हमारा जो स्टॉप लॉस है वो घिसक के 95 पे आ जाएगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यही फायदा होता है, आप लोग कोटक नियो के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे को आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, समझ में आई है तो कमेंट करके बताइएगा आपको कि क्या चीज़ आपको वीडियो के अंदर पसंद आई, क्या चीज़ नहीं समझ में आया वो भी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।